राम घर नागिन नाग फसाओ तो तू मुहि में जुटे हो। साला यहाँ तक ये पहुँच गया है। अल्लाह बख्श और साथ में हमारे प्रधान जी ये प्यार भरी सीन पर 50 रुपए का इनाम पाते हो। तो कदम आन कर के किया बजा बजा कर जब आन करके किया बजा बजा कर बीन और तूने सारे राज को बना दिया मते बना दिया मत हीन छोकर ना दिल में जरा बिचारा बना दिया मत हीन छोकर ना दिल में जरा बिचारा और पदम सिंह के साथ पुष्ट को लग गया धागे करार राजकुमारी शशि सयानी जिस पे जादू डाला राजकुमारी शशि सयानी जिस पे जादू डाला और बंगाली की जात गुप्त है बाजी तुहन मार पूरी है अभी चढ़े टार पे सजा फांसी की होवे ये रियासत रामगढ़ है और रामगढ़ रियासत में प्यार करना जुर्म है जुर्म की सजा मौत है सजा फांसी की होवे और पचावे ना भाई खबर है कोई पावे दाएश भाई डाल देश कमबख्त के हाथों में हथकड़ी ले चाल घसीटते हुए सम्राट पदम सिंह के पास चले यहां तक आ गया ये रियासत रामगढ़ है और रामगढ़ रियासत में प्यार करना जुर्म है जुर्म की सजा मौत है तुझे इसकी साले सजा मिलेगी। बाग में आया आपके ऐ मेरे शरण उसका हकदार
अगर कुछ भी ना दोष हमारा, मैं गरीब इस पेट के खातिर आकर जुल्म इस पेट के खातिर आकर ले चलो शौक से हाँ। इस प्यार के खातिर पैदा नाम जन्म कर जाऊंगा, अले पैदा हुए प्यार के खातिर नाम अमर कर जाओगे है? हम तुम्हारा साले ये जिंदगी झंड कर देंगे। प्यार करना जुर्म है इस रामगढ़ रियासत में। शमशेर सिंह के रहते हुए अगर किसी ने प्यार किया हो तो प्यार का अंजाम हम उसे नजराना मौत देंगे। मौत सिपाही निजाल से घसीटते हुए सम्राट पदम सिंह के पास। साले ये रियासत रामगढ़ में प्यार करना जुर्म है। मंत्री जी के मारे लड़की लड़का प्यार नहीं कर पाते और हमारे मारे कुकुर बिलाल प्यार नहीं कर पाती। जौन कुकुरी प्यार करत मिल जात उनका हम रोज डाई थे। और तुम साले कीड़ा बीछी का प्यार करा दे साले बंगाली चेरी पांडी फुजी मान। साला लौनिया फांस बीन रखे यही का बजाय बजाय साथ फंसाते हैं। अब बीन हमें लाएगा एक लग जाएगा कौनों गांव में कूदा बजाए के पूरा गांव बेहोश करब बेहोश करके लूट फूक के चल जाऊंगा। चंदन बाप तो यही है लेकिन ये कौन था जो चंदन बाप से भागा और सपेरे की बीन यहां और सपेरा मौजूद नहीं। ये कौन था जो चंदन बाप से भागा? क्या हमको लगता है राज दरबार का सिपाही है सरदार जी। ऐसा करो इसका पीछा करो। चलिए देखो ये कहां जाता है और ये जहां जाए वहां चलो आओ मेरे। सिपाही वीरसेन का कुछ पता चला या नहीं? महाराज आप फिक्र न करें वीरसेन का पता चलते ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। महाराज मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों के ये जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन वो तुम लोगों के हाथ नहीं आएगा। नहीं महाराज वो एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। महाराज बहुत गजब हो गया है राजन। क्या हुआ शमशेर से? महाराज जो सवेरा एक दिन भरे दरबार में बीन बजा रहा था और वही सवेरा आज चंदन बाग में राजकुमारी शशकला के साथ रंगरलिया बना रहा था, रंगे हाथ पकड़ा गया है
क्या इजाजत है इसके लिए। लेकिन वो सपेरा है कहाँ? हाजिर करो सिपाही, ले आओ हमारे सामने। ये रहा वो सपेरा। क्यों रे सपेरे, तेरी इतनी बड़ी औकात, हमारी बेटी से प्यार करने चला। हमारी बेटी से प्यार करने के पहले एक बार अपने औकात के बारे में सोच लिया होता। तेरी औकात तुम्हारे पैर के जूतों के बराबर नहीं है। चला है हमारी बेटी से प्यार करने शमशेर से, चढ़ा दो तार पे इसको, चढ़ा दो तार पे इसको, अदब का रास्ता पाए और देखना अगर वाजिब है यही से साफ हो जाए। चढ़ाओ इसे फांसी के तख्ते, चढ़ा दो इसे फांसी के तख्ते पे और डाल दो गले में फांसी का फंदा, तीर गहने पे फांसी का फंदा टाइट कर दो। तीन गहरे पे भाजी का भद्दा टाइट कर दो, छुला दो इसे मौत के झूले से। नंबर एक, नंबर दो, दो बस खबरदार, कर लड़का मारा गया पसी खबर। तो ये दरबार सब ढेर हो जाएगा, फैसला किस लिए हो रहा तार का, सैकड़ों का यभी खून हो जाएगा। ओ फैसला किस लिए हो रहा तार का, सैकड़ों का यभी खून। यानी तुम ये जानना चाहते हो कि सपेर को मौत की सजा क्यों मिल रही है, लेकिन हमारे बीच में तुम बोलने वाले कौन हो? तो कौन हो जो यहाँ गए बन मददगारी की सिफारत करे? हुक्म साई सपेरा भाई खतावार है, मौत की जिसको पैसा मिले की सजा। मौत की सजा दोगी? कौन हो हमारे बीच में तुम बोलने वाले? ये सपेरा है इकलौता माँ का पिसर, ये सपेरा है इकलौता माँ का पिसर और बन मददगार इसकी यहाँ आया। बाबा शक्ति का भेजा एक फरजंद हूं, एक टाकू खतरनाक शाला है। बाबा शक्ति का भेजा एक फरजंद हूं, एक डाकू खतरनाक शाना। शाना ये तेरा बिघन नहीं है, दरबार है।
तो सांगा पीघल नहीं ये दरबार है, सांगा पीघल नहीं। पीखल नहीं दरबार है, फुला दूंगा तेरी सभी है कड़ी, चित गर्ज किया तो पिजा पाएगा, लाश तेरी तो होगी कहीं पे पड़ी। सांगा उछल कूद मत बताओ, ये तुम्हारा पीघल नहीं दरबार है, शारी है कड़ी फुलवा दूंगा। महाराज पदम सिंह छोड़ दे मेरे कहने से बच्चे को तू, ये नहीं होगा सांगा, ये होगा नहीं होगा, ये होगा। छोड़ दे मेरे कहने से बच्चे को तू, बाद में वरना तू जमीन में गड़वा दूंगा। बेटी तेरी आवारा है वो परिचलन, अगर वो लड़की आवारा नहीं होती तो ये लड़का कुत्ते की तरह वो पीछे पीछे नहीं भागता। नाम आवारा का कर दोबारा लिया आई तेरी कजाई तेरी। आए सांगा, अगर दोबारा नाम जुबान पर लाया तो याद रखो ये जो बया की झूम जैसी हवेली है, बया की झूम नजर आ रही, रुई के काले की तरह आसमान में उड़ा दूंगा। याद रखो, अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो याद रखो, अगर बीबी होगी तो बेचारी विधवा हो जाएगी। रोई के गाले से उड़ाने से पहले इसकी रिहाई की बातें करो, तुम्हें ये बच्चा चाहिए। हाँ शाह, ये बच्चा एक शर्त पे रिहा हो सकता है। बच्चे को लेने आया हूँ, यहाँ यहाँ रिश्ता निभाने नहीं आया। रिश्ता निभाने आए हो, रिश्ता बनाने आए हो, तुम्हें ये बच्चा चाहिए। सांगा ये बच्चा एक शर्त पे रिहा होगा, शर्त हमारी यही है कि तुम्हें मेरे साथ में जंग करना होगा। अगर तुम जंग में जीत गए
तो ये बच्चा तुम्हारे पक्ष में जाएगा। और काश चंग में जो सागा प्राप्त हो गए तो इसके साथ साथ तुम सबको भी मौत होगी। शमशेर सिंह बहुत दिनों से दिल के अंदर अरमान था कि मैं तुझसे जंग करूं, लेकिन ईश्वर ने आज वो दिन ला ही दिया। तेरी शर्त हमें मंजूर है, लेकिन याद रखो महाराज के नाक पर मक्खी बैठी उड़ाओ। याद रखो शर्त तो मंजूर है, जो जीतेगा ये बच्चा उसी के पक्ष में जाएगा। लेकिन कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की, पच्चलन बेटी के बाप कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, नहीं अंजाम दर्दनाक होगा। ये जो तेरे चार पाई के खटमल आजू बाजू रेख रहे हैं, जो तेरा खून चूस रहे हैं, इन खटमलों को मारने के लिए बंदूक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इन खटमलों को पैरों से मारकर मार डालेंगे। वो चीज हो साथियों, ये खटमल नहीं है, ये साले रामगढ़ के दीमक हैं, ये जो मिट्टी को चाट कर पुतला बने खड़े हैं। जरा देखो तो शमशेर से बच्चे की रिहाई के लिए बहुत खून खराबा होगा। तो आओ शांगा, फिर फैसला हो जाएगा। आओ भाई, वक्त का हर से गुलाम होता है, बच्चे को रिहा कर दो। बच्चे को रिहा कर दो, रिहा कर दो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछना चाहता हूं शगाव। क्या पूछना चाहते हो शगाव? मैं तुमसे यही पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे बाबा शक्ति में कौन कौन सी खूबियां है, मैं उन खूबियों को जानना चाहता हूं। हमारे बाबा शक्ति भी बहुत बड़ी बड़ी खूबियां हैं।
हमारे बाबा शक्ति में वो खूबी है कि कोई भी इंसान प्रातः काल बाबा शक्ति को खुश करके मन चाहा वरदान ले सकता है। इतना ही नहीं, अगर चाहे तो बाबा का रूप भी ले सकता है, लेकिन ऐसे नहीं, प्रातः काल खुश करने के। धन्य है सांगा और धन्य है वो बाबा शक्ति। सांगा, एक बात मैं और तुमसे पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहते हो शमशेर सिंह? पूछा, मैं यही चाहता हूं कि जैसे कि किसी की बेटी आवारा हो जाए, प्रचलन हो जाए, तो उसके पिता को क्या करना चाहिए? महामंत्री, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जैसे किसी की बेटी आवारा हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए सहज तरीका है। जैसे किसी की बेटी आवारा हो जाए, पछड़न हो जाए, तो उसके पिता को क्या करना चाहिए? उसके पिता को क्या हुआ महाराज? क्या हो गया? हमारी आंखों में क्या झोंक दिया, मुझे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ नहीं दिखाई रहा। अरे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तुम लोग कहाँ हो? अरे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आंखों की रोशनी चली गई। सिपाही, ले जाओ महाराज को कटेहा हॉस्पिटल। हाँ, वही इनको भर्ती कर दो, वही इनका इलाज होगा। ले जाओ, ले जाओ, इनका इलाज करवाओ। सिपाही, सांगा ने क्या कहा कि हमारे बाबा शक्ति में बहुत बड़ी बड़ी खूबियां है, और इतना ही नहीं, बाबा शक्ति को खुश करने के बाद प्रातः काल बाबा का रूप भी मिल सकता है। सिपाही, मौका बहुत अच्छा है, इसलिए कि सिपाही अब हमें बाबा को खुश करके और बाबा का रूप लेना चाहिए। सिपाही, जब मैं सवेरे के घर सवेरे का जीता हुआ इनाम देने गया था, और जब उसकी माँ को देखा बे, अरे हाय हाय, क्या हसीन थी यार। और सिपाही, उसी दिन से मैंने प्रण किया है कि दिन इसे अपने सीने से जरूर लगाऊंगा। नहीं सिपाही, और मैं ऐसे गया तो वहां पकड़ा गया तो लोग कहेंगे कि मंत्री शमशेर सिंह है, और बाबा का रूप लेकर जाऊंगा और वहां पकड़ा गया तो लोग यही कहेंगे कि तो बाबा शक्ति है, इसलिए हमें बाबा को खुद करके बाबा का रूप लेना चाहिए। अब
अबे अपने कहा कहे प्यार करना जुर्म है, जुर्म की सजा मौत है। अब ये कौन रोइया भी लगा उचारे याद है, लेकिन वही है कि गरीबवा करे तो हुरा जाए, बलवरवा करे तो कौन बात ही नहीं। लेकिन घबराओ ना, खेल का नाम जैसी करनी वैसी भरनी है। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मैं दूंगा। तुम जय हो बाबा शक्ति ला तो हम हूँ जाओ बाबा शक्ति ला। तुम बाबा शक्ति से बाबा शक्ति के रूप मांगे हो और हम तुम्हारे रिश्तेदार के रूप मांगा। अगर ये बाबा शक्ति के रूप पाए गए तो सफेदा के माँ के पास जे हैं, और हम इनके रिश्तेदार के रूप पाए गए तो इनके घर जा। घबराओ ना, खोपड़ी खराब है। जाओ तुम सफेदा के महतारी लाश जाल फेंको, हम तुम्हारे घर में कटिया लगाओ। गंगा कसम खोपड़ी खराब है। प्यार न हम की न हमारे बाप की। चलो ठीक है भाई सब दादा। अरे तो का को जबरदस्त बैठो। जाओ भैया यहाँ तक हेल्प करो। जाओ बेचारे दादा परेशान है हो, इनका बुढ़ापा मने को परेशान करे हो। अरे इतना बड़ा गांव है, 4-6 जने जुट जाओ भाई, बेचारे को परेशान करे हो प्रधान जी। अब जा रहे हैं, देखो आगे होता क्या। बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। डाकू सांगा, बाबा सपेरे की जान खतरे में है और उससे बचाने के लिए मुझे आपके रूप की जरूरत है बाबा। और गुरुदेव दूसरा वरदान कब दोगे?